लोगों ने बोला था कि हमने पेटीएम से फास्टैग तो ले ही लिया, बट उधर हमने आरसी बुक अपलोड नहीं किया था और अब उनका फास्टैग एक्टिवेट नहीं हो रहा है। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ, हाउ टू अप्लाई फास्टैग ऑन द कार। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने फास्टैग अप्लाई कर दिया है। मैं पूरा वीडियो बताने वाला हूँ किस जगह पे फास्टैग अच्छा रहेगा लगाने का और कैसे लगाना है, कोई गलती ना हो, इसलिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। और काफी डाउट्स है फास्टैग के बारे में, वो भी आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस ये रही हमारी गाड़ी और ये रहा हमारा फास्टैग लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसको कैसे लगाना है वो पूरा मैं आपको बता देता हूँ। तो फास्टैग हमेशा विंडशील्ड के अंदर की साइड में लगेगा, बाहर की साइड पे नहीं लगेगा, काफ़ी लोग को डाउट होता है, वो अंदर की साइड ही लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, ये रहा हमारा फास्टैग बराबर। तो सबसे पहले जो ये हमारा मिरर है उसके पीछे ही हमें लगाना है। काफ़ी लोग सोचते होंगे कि हम इस साइड लगा देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, अगर हम ऐसा नीचे लगा दे तो क्या प्रॉब्लम होगा, साइड में लगा दे क्या प्रॉब्लम होगा। कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता, बट बेस्ट प्लेस मैं आपको बता दूँ तो बेस्ट प्लेस यही है बीच में जहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। तो दोस्तों काफ़ी लोगों का ये डाउट रहता है कि हमें पेटीएम फास्टैग कैसे लगाना है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जैसे ही आप पेटीएम फास्टैग ओपन करोगे, जैसे कि मैं यहाँ साइड स्क्रीन में उसका स्टिकर आपको बता देता हूँ, तो जैसे ही वो प्रिंटेड साइड है वो हमें अंदर की साइड पे रखना है, मतलब ड्राइवर सीट की साइड पे रखना है, वो हमें दिखनी चाहिए। और जो बैक साइड है जहाँ से आपको पुल ऑफ करना है वो हमें विंडशील्ड पे चिपकाना है। काफ़ी लोग सोचते हो कि अगर वही चिपकाना है तो पीछे स्कैन कैसे होगा, वहाँ पे ही पीछे आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला चिप होता है, तो आपको बिल्कुल सेंटर में वहीं पे लगा देना है। और लगाने से पहले आपको एक बार विंडशील्ड को साफ कर देना है, कहीं पानी ना लगा हो, कहीं डस्ट ना लगा हो, ताकि परमानेंटली आपका फास्टैग चिपक जाए। और जैसे ही आपका फास्टैग चिपक जाएगा फिर आप टोल पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो कट हो जाएगा। तो काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि कौन से जगह पे बेस्ट रहेगा फास्टैग लगाना है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कुछ लगाया हुआ रहेगा या फिर कुछ किसी का ब्लैक कलर से यहाँ पे कुछ फ्रेम लगा होगा, जैसे मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, तो वो काफ़ी डाउट्स है लोगों के, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप बीच में लगाते हो तो उसका फ़ायदा यही होता है कि आपका फास्टैग जल्दी से इजीली स्कैन हो जाता है, और अगर आप लेफ्ट साइड या राइट साइड लगाते हो तो थोड़ा सा स्कैनिंग में प्रॉब्लम आ सकता है टोल पे, इसलिए गवर्नमेंट ने भी बोला हुआ है कि आप उसको बीच में ही लगाइए। और काफ़ी लोगों की गाड़ी पे यहाँ पे ब्लैक कलर का फ्रेम लगा हुआ होता है, तो आप उसका ध्यान रखिए, उसके ऊपर आपको फास्टैग कभी नहीं लगाना है, उसके नीचे ही लगाना है। जैसा मेरा यहाँ पे छोटा सा ब्लैक फ्रेम लगा हुआ है तो मैंने उसके नीचे ही लगाया है, तो फास्टैग थोड़ा नीचे आएगा नो प्रॉब्लम, बट आप उसको बीच में ही लगाइए और आप उसका सेंटर देख लीजिए, बिल्कुल बीच में लगेगा तो अच्छी बात है, थोड़ा इधर उधर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऐसे ही आपको बीच में लगाना है। और राइट साइड में आपका गाड़ी नंबर वो सब का स्टिकर लगा रहता है, तो आपको वहाँ पर फास्टैग लगाना नहीं चाहिए। काफ़ी लोग का डाउट ये भी रहता है कि हम फास्टैग लेफ्ट साइड पर ऊपर लगा दें तो क्या दिक्कत आ सकती है, कुछ दिक्कत तो नहीं आ सकती है दोस्तों, बट यहाँ पर क्या होगा कि आपका पेटीएम फास्टैग जो है वो स्कैन होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा विजिबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए मैं यही बोलता हूँ कि आप बीच में ही लगाइए। तो काफ़ी लोगों ने बोला था कि हमने पेटीएम से फास्टैग तो ले ही लिया, बट उधर हमने आरसी बुक अपलोड नहीं किया था और अब उनका फास्टैग एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि अगर आपने आरसी बुक अपलोड नहीं किया तो आपका फास्टैग अप्रूव नहीं हुआ होगा, इसलिए आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको पेटीएम कस्टमर केयर में फ़ोन करना है। मुझे पता है काफ़ी देर लगेगी कस्टमर केयर में फ़ोन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ फ़ोन कर देते हैं फास्टैग रिलेटेड। मैं नीचे स्क्रीन पे नंबर डाल दूंगा, स्पेशली फास्टैग के लिए पेटीएम सर्विस रखा हुआ है, तो वहाँ पे जाके आपको ये पूरा बताना है, वो लोग आपको एक मेल भेजेंगे और जैसे ही आप उसको वो मेल को आप देखेंगे उसके अंदर लिखा होगा कि आप अपना आरसी बुक अपलोड कीजिए।
आप अपनी पूरी सिचुएशन बताइए कि हमने आरसी बुक अपलोड नहीं किया और फास्टैग घर पे डिलीवर हो गया है, और फास्टैग की एक पॉलिसी है पेटीएम पे कि वो रिटर्न नहीं हो सकता। तो प्लीज़ आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए, उनको बोलिए कि हमें मेल भेजे और हमें आरसी बुक अपलोड करना है। तो आप आरसी बुक जैसे ही अपलोड करेंगे एक दो घंटे में आपका फास्टैग एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे कि आपको मैं साइड स्क्रीन में दिखा रहा हूँ वैसे ही आपका पेटीएम में फास्टैग वाला वॉलेट आ जाएगा। तो अगर इसके रिलेटेड और कुछ डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। बस आपको यही सॉल्यूशन है कि आपको पेटीएम कस्टमर केयर में फ़ोन करके वेट करना पड़ेगा, वो सामने से आपको फ़ोन करेंगे, या फिर आप चैट पे भी बात कर सकते हो फास्टैग के रिलेटेड पेटीएम पे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और काफ़ी लोगों के डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिए, और कुछ डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं और एक फास्टैग के लिए वीडियो बना सकता हूँ डाउट क्लियर करने के लिए। तो प्लीज़ बने रहिए चैनल पे, ऐसे ही नए नए वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।